अब इसे इलेक्ट्रिक बाइक कहेंगे या इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। भारत में एक और कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंट्री कर ली है और साथ ही नए डिज़ाइन और नए बाइक्स के साथ मार्केट में दबदबा बनाने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ईवी व्हील्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस इलेक्ट्रिक बाइक का नाम एक्समैन है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक दी हुई है जो कि लॉन्ग लास्टिंग और 150 केजी तक वजन झेलने की कैपेसिटी रखती है और पिछले टायर में BLDC हब मोटर लगी हुई है। एक्समैन में आपको स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी ऑफर किया गया है। इसमें आपको कीलेस स्टार्ट बटन, अलार्म, फाइंडिंग बटन, अनलॉक बटन और लॉकिंग जैसे फीचर उपलब्ध हैं। इसमें आपको लेफ्ट और राइट हैंडल में मल्टीपल बटन दिए हुए हैं जो कि लेफ्ट राइट इंडिकेटर और ड्राइविंग मोड, हॉर्न और हेडलाइट कंट्रोल और ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। एक्समैन में आपको बैक साइड में शॉक ऑब्जर्वर दिए हुए हैं और साथ ही फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 250 वॉट BLDC हब मोटर जो कि वाटर रेजिस्टेंस है, स्पीड कंट्रोलर और वेट कैरी कैपेसिटी भी दी हुई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बैटरी परसेंटेज, माइलेज और बाइक में आए हुए एरर्स शो किया जाता है। अगर हम एक्समैन के फीचर्स और परफॉर्मेंस की बात करें तो हिल ड्राइव, हाईटेक मोटर, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक की कॉम्बो लॉक और भी बहुत कुछ दिया गया है। एक बार फुल चार्ज होने पर 100 किलोमीटर की रेंज एक्समैन आपको ऑफर करती है। एक बार चार्ज होने के लिए मात्र 20 रुपये के खर्चा आपको आने वाला है। इसमें 60 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटर और 6 घंटे में 0 से 100% चार्ज बैटरी हो सकती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लोडिंग कैपेसिटी 150 kg है और सीट हाइट 1290 mm और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ ये गाड़ी सड़क पर दौड़ सकती है। कैसी लगी ये इलेक्ट्रिक बाइक की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ईवी व्हील्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। भारत में लॉन्च इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ईवी व्हील्स को सब्सक्राइब करें।